तो मेरा अगला सवाल यही था कि क्या आप रेंडमली अपनी फोटो शेयर कर देते हैं किसी को भी, ठीक है, या फिर क्या पता क्या होता है, फेसबुक पे बहुत लोगों को आदत होती है अपनी यू नो घर की पिक्चर्स डालने का। जब आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और आप उसे रेंडमली एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो वो फोटोज भी एक्सेस कर लेता है, तो वहां पर होती है समस्याएं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग इंटीमेट फोटोज या वीडियोज भी शेयर करते हैं। तो जैसे जैसे मैंने सवाल पूछे आपसे, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके लोग यू नो कम होते चले जाएंगे, लेकिन एक बंच ऑफ पीपल ऐसे होंगे जो कि ये काम करते होंगे, और यहीं से समस्या पैदा होती है। अगर आप किसी भी रैंडम बंदे से फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेस एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बाद उनसे फोटो शेयर करते हो, फिर बात इतनी लंबी आगे तक बढ़ जाती है कि आप लोग इंटीमेट वीडियोस भी शेयर करते हो, तो वहां पर होती है समस्या। कि बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग नो लिख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसके लिए अवेयर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के सेशन को आप लोग, यहाँ पे कई लोगों ने यस भी लिखा है, लेकिन आज के सेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगली बार ऐसा कुछ भी होता है तो आप लोग और ज्यादा सचेत रहेंगे, और आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रहेगा कि हाँ, अरविंद सर ने बताया था, ए टू मोटिवेशन में डिस्कस किया गया था कि अभी तक तो हमने नहीं किया और आगे भी ये गलती कभी नहीं करनी है, ठीक है। तो ना ही किसी से रेंडमली ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आया उसे एक्सेप्ट करनी है जब तक आप उसे ना जानते हो, ना ही किसी से अपनी पर्सनल फोटो शेयर करनी है, और ना ही किसी को इंटीमेट वीडियोज या ऐसी फोटो शेयर करनी है जो कि बहुत पर्सनल होती है, नहीं करनी। अब इसके बारे में पेरेंट्स तो बात नहीं करने वाले, अगर आप पेरेंट्स को जाके पूछोगे, मतलब क्या ही बताऊं। बहुत अच्छी बात है अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि खुले दिमाग के हैं, तो वो आपसे डिस्कशन करते हैं, तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन थोड़ा है नहीं, कंजर्वेटिव माहौल है। बट फिर भी जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि इस बात को समझते हैं कि बच्चे फंस नहीं जाए, उससे पहले उनसे बात कर ली जाए, तो वो बहुत अच्छी बात है।